नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं पहाड़ की अनेक गुमनाम महिलाओं का जीवन कहती शैलेश मटियानी की कहानी सुहागिन। सुवारे ओ सुवा, पनखंडी रे सुवा, हरियो तेरो गात, पिंडलो तेरो ठूना, बनखंडी रे सुवा। कासे की थाली में कमलावती बोज्यू रोली अक्षत भिगो रही थी और पद्मावती अपनी डबडबाई आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों की पुतलियों में जो आत्मजल केवड़े के किश्ती नुमा पत्तों में अटकी ओस की बूंदों की तरह थरथरा रहा है, उसमें कमलावती बोज्यू का ही नहीं, आसपास के सारे वातावरण का पूरा पूरा प्रतिबिंब उभर रहा है। पनखंडी रे सुवा, हरियो तेरो गात। कमलावती बोज्यू बार बार कदली पत्रों की पालकी में बैठे वर देवता श्री रामचंद्र को टुकर टुकर देखती है और उनके आंसू एक बारगी छल छलाकर कासे की थाली में गिरते हैं और लगता है रोली अक्षत एकाकार हो जाते हैं और कासे की थाली होले से ऐसे छड़ाछड़ उठती है जैसे बरसात की बूंदों से टीन की छत बजने लगती है। ओ सुवा रे सुवा, बनखंडी रे सुवा, ओ सुवा रे सुवा, बनखंडी रे। पद्मावती ने एकाएक अपनी डबडबाई आंखों को सामने सुवाल घाटी की ओर उठा दिया। हे राम, कभी कभी बनखंडी शुकों की हरियाली दह पीराई चोचों वाले शुकों की पूरी पांत की पांत आंखों की पुतलियों को ढापती चली जाती है, मगर एकदम छलछल भरी हुई आंखों के बावजूद आज पद्मावती को सारी सुवाल घाटी कुछ रीति रीति ही लगी। बनखंडी शुकों की पात दीठ बांधती पुतलियां ढापती नहीं दिखाई दी। पद्मावती को लगा कि अरे, उसके आसपास तो उसकी शादी के शकुन आखरों के शकुन चहचहा रहे हैं और हरियाए प्रियाए बनखंडी शुकों को न्योत रहे हैं। पनखंडी रे, और पाताल भुवनेश्वर की अछोर अंतर गुहाओं जैसे उसके कान गूंजते ही चले जा रहे हैं शकुन आखर के शकुनों की चहचहाती अनगूंजों से और बनखंडी की शुकों की पांत उसकी आत्मा की अंतर गाहों की सयाल घाटी में उड़ती ही चली जा रही है, उड़ती ही चली जा रही है। पनखंडी रे सुवा, हरियो तेरो गात, पिंडलो तेरो ठूना। कमलावती बोज्यू की आंखों में उसके प्रति संवेदना के आंसू हैं और वे उनके एकदम सामने ही बैठी है, सो उनकी पुतलियां छलछलाती है तो आंसू कासे की थाली की ओर निकास पा जाते हैं, मगर पद्मावती की व्यथा ही उस आत्मसया पद्मावती के प्रति हैं जो कुवारेपन के 45 साल बिता चुकने के बाद दुल्हन की तरह सवरी लजाई बैठी है, तो कदली पत्रों की पालकी में जो वर देवता श्री रामचंद्र बैठे हुए हैं उनकी ताम्रवर्ण दह दीपकों के उजाले में कुछ ऐसी चमक उठती है कि पद्मावती को लगता है सारे दीपक उसकी अंतर गुहाओं में जल रहे हैं। शकुना देही राजा रामचंद्र अयोध्यावासी, अंदर जो कुंठित कौमारे को और ज्यादा बेधने वाले दीपक जल रहे हैं इस प्रौढ़ावस्था में सिर्फ परलोक में तारण के लिए दुल्हन बनने की विवशता के उनकी छाई को कहीं निकास ही नहीं मिल पा रहा है, तो लगता है आत्मा की अतरंग परतों में काजल बैठा जा रहा है। हे राम, जिन सुहागिनों की गोद में छूने आते रहते हैं वो कैसे छोटी छोटी डिबिया में काजल समेट कर रखे रहती है, घुटने पर बालक के सिर को हिलाती हूं हूं करती उंगली की पोर से काजल आंजती है तो बालक की आंखों की किनारियों में अंगुली के चक्र या शंख की छाप उतर आती है, मगर तांबे का कलश तांबे का श्री रामचंद्र सुहागिनी बना सकता है। लेकिन अंदर दुख उमड़ पड़ रहा था, मगर फिर भी पद्मावती को शर्म लग गई कि छी छी छी, इतनी औरतों के सामने कितनी छिछोर बात सोचती हूं मैं भी। पद्मावती के प्रति आंसू कहीं अपने से बाहर को निकास नहीं पाते हैं,
कहीं अंतर गुहा में बाल सन्यासिनी की तरह अवसन बैठी पद्मावती क्षण क्षण में अपना रूप बदलती रहती है, और बेर बेर पुतलियां राहट के खोखों की तरह बाहर को घूमने के बावजूद अंदर की ओर छलचला जाती हैं, और आंसू बूंद बूंद अंतर गुहा में जलते दीपकों की लो पर गिरते हैं। पनखंडी रेसुआ, ओ सुआ रेसुआ। शकुन की आंखरों की गूंज सुनते ही पास पड़ोस के विवाहों में पक्षी की तरह चहचहाती दौड़ती थी पद्मावती। वह उम्र बहुत पहले ही बीत चुकी है, मगर इस चहचहाट की मर्मवेदी अनगूंज आज तक शेष है। रंग एकदम सांवला, आंखें एकदम मिचमिची और देह सूखी हुई। दिखने में पद्मावती अपनी तरुणाई में भी कुछ नहीं थी, मगर कंठ इतना सुरीला कि साथ साथ शकुन आखर गाने वाली बैठी हो तो उसका सातवां सुर सबसे अलग ऐसा गूंजता था और गाने वालियों की आवाजें डूबने लगती थी। कमलावती बोजियू तब भी यही कहती थी कि लली, बहुत शगुन गाती हो तुम, और इतनी मधुर मीठी आवाज में कि लगता है तुम सिर्फ शगुन गाने के लिए ही जन्मी हो, सुनने के लिए नहीं। पद्मावती तब भी जानती थी कमलावती बोजियू के मुंह से उनकी अपनी आंतरिक व्यथा बोलती है। ब्राह्मण कन्या तो पैसे वालों की भी बहुत परेशानियों के बाद ही ब्याही जाती हैं। वह तो एक दरिद्र परिवार की कन्या थी और कुरूपा। गोरे कपाल में तो काजल का टीका भी बहुत फपता है, मगर काले कपाल की रेखाएं तो चंदन के तिलक से भी उजली नहीं हो पाती हैं। सोने चांदी के आसन पर तो शालिग्राम भी पूजा जाता है, मगर दान दहेज से रीति उस सूखे काट जैसी काया को कौन देगा अपने घर में बहू का आसन। गरीब पुरोहित के घर में जन्म लिया था पद्मावती ने, एक सूखे काट जैसी सावली काया पाई थी, मगर आत्मा उस दह की कठबाड़ के पार कभी बनखंडों में उन्मुक्त चहकती चहचहाती रहती थी, और कभी तिरस्कृता सी बिलकती रहती थी। कठबाड़ जैसी काया को सभी देखते थे, कठबाड़ के पार देखने वाली आंखें बहुत दुर्लभ थी। एक जोड़ी आंखें बड़े भाई बुद्धि वल्लभ पुरोहित की, एक जोड़ी कमलावती बोज्यू की। भाई भाभी अंतर्व्यथा से छलछलाती आंखों की ज्योति कठबाड़ के पार भी पहुंचती थी, मगर अक्सर कठबाड़ से ही टकराकर धुंधली पड़ जाती थी। अपनी गरीबी और बहन की कुवारी काया के बोझ से दबे पुरोहित बुद्धि वल्लभ कभी कभी बहुत खींच भी उठते थे कि इस अभागिन के कारण तो मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। जिस ब्राह्मण के घर में अंत तक कुवारी बैठी बहन राख के अंदर के कोयले की तरह अपने दुखों में सुलगती रहे, उसका तारण तो 64 तीर्थों की परिक्रमा से भी नहीं हो सकता। कमलावती बोज्यू अपने 5 बच्चों की ओर देखती थी तो उन्हें भी पद्मावती खटकने लगती कि कहीं कभी कोई काना रंडवा ब्राह्मण मिल ही गया तो बुद्धि वल्लभ घर की लटी पटी धो पोंछ कर पद्मा के ही पीछे ना लगा दे। मगर उन्होंने ही तो कहा था कि पद्मा शगुन आखर गाने के लिए पैदा हुई है, सुनने को नहीं। बरस पर बरस बीतते गए थे। 30 पार पहुंचते पहुंचते पद्मावती की आत्मा निराशा कुंठा से बंजर होने लगी थी, मगर एक अनहोनी जैसे यहाँ जरूर घटने लगी थी कि भीतर के वीरान बनखंडों की तरह अवसाद और कुंठा के घने कोहरे में डूबते ही 35 तक पहुंचते पहुंचते पद्मावती की सूखी सावली देह भरती चली गई, और 37 वर्षों की उम्र काट चुकने के बाद पद्मावती को पुरुष दीट अटकाने का सुख तब मिला था जब मोहल्ले के अपर स्कूल का हेडमास्टर गंगा सिंह हंस पड़ा था कि बोराण जीव पुराना गुड़ और ज्यादा गुणकारी होता है। ऐसा सुना तो मैंने भी था, मगर आंखों से पहली बार देख रहा हूं। तब पद्मावती अपने भतीजों को स्कूल पहुंचाने जाती थी। गंगा सिंह हेडमास्टर बड़ी आसक्ति के साथ घूरता बातें करता, इससे एक सार्थकता का बोध सुख अवश्य देता था, मगर आत्मा प्रताड़ित करने लगती थी। कहीं सयानी उम्र का होते भी एकदम जवान छोकरों की तरह आंखें भुरभुराने वाला हेडमास्टर अपने स्कूल की सरहद से बहुत आगे तक ना बढ़ आए। सो एक दिन पद्मावती के हाथ से भतीजे का हाथ पकड़ने के बहाने गंगा सिंह हेडमास्टर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो, हट साले खसिया,
कहकर पद्मा ने अपना हाथ छुड़ा लिया था और तब से उसके मुंह से पुराने गुड़ के स्वाद में लिपटी हुई आवाज निकलनी बंद हो गई थी। आंखें भुरभुराकर बोराणजीव कहने का भेद हो गया था। पड़ोस वाले तो बहुत कान बचाते थे कि बेमौसम आई हुई बाढ़ और ज्यादा खेती तोड़ती है, मगर ईश्वर साक्षी है कि दह भरने के बाद भी सिर्फ लोगों की आंखों में संवेदना देखने भर का सुख ही भोगा पद्मावती ने, बल्कि धीरे धीरे इससे भी उसे एकदम घृणा और वितृष्णा हो गई थी, क्योंकि उसे घूरने देखने वाले लोग बहुधा 30-35 पार के ही होते थे, मगर पद्मावती की आत्मा में उसके शगुन गाने की उम्र ही छाई हुई थी। 30 पार पहुंचने पर शगुन गाना छोड़ दिया था पद्मावती ने, मगर जब जब किसी के प्यार के लिए मोह जागता था, ममता जागती थी, उम्र एकदम घटती चली जाती थी, जैसे धूप ज्यादा बढ़ने पर छाया छोटी होती चली जाती है। आत्मा में कल्पना पुरुष सूरज कमल जैसा खिलता चला जाता है और अब 45वें बरस में एक लज्जास्पद अनहोनी यह भी घट रही है कि खुद पद्मावती के कान ही शकुनाखर सुन रहे हैं। कदली पत्रों की पालकी में वर देवता श्री रामचंद्र के रूप में तांबे का कलश बैठा हुआ है। कमलावती बोज्यू की आंसू कांसे की थाली में बिखर रहे हैं और मरणासर भाई बुद्धि वल्लभ कन्यादान की सामग्री ठीक कर रहे हैं। पद्मावती तो हट बांध रही थी कि इस प्रौढ़ावस्था में ये गुड़ियों जैसा खेल मैं नहीं रचा सकती, मगर जब खुद भाई ने आंसू गिरा दिए, पद्मा मेरा अंत समय आ गया है, बहुतों की सदगति करके उनका तारण मैंने किया है, मगर अब मुझे अपना ही तारण दुर्लभ हो रहा है। तेरा भाई पिता जो कुछ हूं, मैं ही अभागा दरिद्र ब्राह्मण हूं पद्मा। मैं अभागा अपने भाई का धर्म नहीं निभा सका, मगर तू तो कल्याणी कुल लक्ष्मी है, तू अपनी दया निभा दे, तुझे सुहागिन देखने से मेरा तारण हो जाएगा। लली, इतना मैं भी समझता ही हूं कि तांबे का कलश सुहाग के कंकड़ मंगल सूत्र से ही दे सकता है, सुहाग का सुख नहीं दे सकता, मगर अपने 60-62 के सहोदर का बच्चों जैसा विवल स्वर और ज्यादा नहीं झेल पाई थी पद्मावती और चुपचाप चली आई थी। बोज्यू, इस वृद्धावस्था में मुझे सुहागिन बना दो। और डबाडब भरने के बाद ओंधी पड़ी तांबे की कलशी जैसे छल छलाती ही चली आई थी। हे राम, हे राम, हे राम। रामीचंद्र, अयोध्या वासी, सीता रानी, मिथिला वासिनी, ए शकुना देही। सुहागिन बने भी अब 7-8 बरस बीत गए हैं। इन 7-8 वर्षों में पद्मावती ने धीरे धीरे अपने उस कल्पना पुरुष को प्रतिष्ठित कर लिया जो 30 तक की पद्मावती अपने लिए खोजती रहती थी। शुरू शुरू में तांबे का कलश विद्रूप लगता था, मगर एक दिन जब छोटे भतीजे ने उसमें पेशाब कर दी और कमलावती बोज्यू ने उपेक्षा पूर्वक हंसते हुए बात टाल दी, तो एकाएक पद्मावती की आत्मा उत्तेजित हो उठी थी। तुम्हारे लिए यह सिर्फ तांबी का कलश ही होगा बोज्यू, मगर मेरे लिए तो मेरा सुहाग भी है। उत्तर में कमलावती बोज्यू ने व्यंग्य पूर्वक कहा था, लली, सुहाग तो संग में शोभा देता है, तुलसी के कनस्तर के पास नहीं पड़ा रहता। पद्मावती एकदम तड़प उठी। बोज्यू, इस वृद्धावस्था में भी बकते हुए शर्म नहीं लगती तुम्हें? और उसी दिन से पद्मावती ने तांबे के कलश को इतने ऊंचे चबूतरे पर रखना शुरू कर दिया कि कमलावती बोज्यू के बच्चे वहां तक ना पहुंच सके। रोज दिशा खुलते ही पद्मा चबूतरे पर से ही कलश उतारकर पनघट चली जाती थी। स्नान कर लेने के बाद उस आत्मस्थ कल्पना पुरुष के आधार पर जलकुंभ को स्नान कराती थी। स्वच्छ पत्थर पर चंदन घिसती और विष्णु रूप जल पुरुष का अभिषेक करती। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले चा कौस्तुभम। सुदूर जलान पहाड़ी की चोटी पर पहली पहली सूर्य ज्योति सल्ली वृक्षों की चोटियां उजली बना देती है। जल भले ताम्र कलश के मुंह तक छलछलाते पानी में पद्मावती प्रतिबिंब देखने लगती है।
आंखों की पुतलियां मोह अवसाद से थर थर कांप उठती है। ताम्र कलश के मुंह पर पानी के दायरे कपकपा उठते हैं। लगता है कल्पना पुरुष का मुख बिंब ऊपर तक आया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले पहले भी नित्य जल भरती है पद्मावती, मगर दिन भर कुएं चोंच डाल डालकर पानी पीते रहते हैं तो पद्मावती हाँकती भी नहीं थी, मगर बाद में मौसमी फूलों या पीपल के पत्तों का गुच्छा ऊपर रखने लगी थी ताकि कोवों की चोंच पानी तक ना पहुंच सके और ताम्र कलश की ऊपरी जल परत पर उभरा मुखबिंब खंडित ना हो सके। किशोरियों का जैसा बावलापन, तरुणियों की जैसी सौंदर्य अनुभूति और गृहणियों सा अपनाव ताम्र कलश पद्मावती की आंखों में एकदम छा गया था। लोग ही नहीं, कमलावती बोज्यू भी परिहास करती थी। ना जाने कमलावती बोज्यू ने ही बात फैलाई या पड़ोसिनों की कल्पना इतनी प्रखर थी कि सारे मोहल्ले में ये चर्चा फैल गई। पद्मावती अपने स्वामी को अपने ही साथ सुलाया भी करती है। हे राम, तांबे के कलश को अपने साथ? यह बात तो शायद कमलावती बोज्यू ने ही फैलाई होगी। मैं नीचे गोठ में सोती हूँ, पद्मा लली जी ऊपर वाले तल्ले पर सोती है। एक रात ऊपर की पाल से पानी नीचे चू रहा था। शायद तांबे का कलश ओंधा पड़ गया होगा। पद्मावती क्या जानती थी कमलावती बोज्यू इतनी बदमाश है। वह तो यही समझती थी कि सबकी आंखें लग जाने के बाद ही वह ताम्र कलश को चबूतरे पर से ले जाकर अपने सिराने रखती है और दिशा खुलते ही जल भरने चली जाती है। छी छी छी, हांडी! इस चतुरावस्था में भी कमलावती बोज्यू की विमति गई नहीं है। नंदों के भेद लेने, उनसे चूहलबाजी करने की यह उम्र थोड़े ही होती है। कभी कभी पद्मा कमलावती बोज्यू के प्रति खींचती तो है, मगर फिर अपने ही प्रति उलाने की लाज में डूब जाती है कि छी छी हांडी। बोज्यू को तो बहुत गिन गिन कर नाम रखती हूँ मैं, मगर सफेद धतूरे जैसी फूल जाने पर भी मेरी मति क्यों इतनी बावली है। इस अवस्था में तो कोई साक्षात शरीर वाले पति को भी इतना प्यार नहीं करती होगी। कमलावती बोज्यू विनोद में कहा करती थी कि पद्मा, कि हमारी पद्मा ललिज्यू बड़ी तपस्वनी है। जितनी सेवा टहल ललिज्यू इस तांबे के खसम की करती है, उतनी तो मैं अपने हाड़ मास के स्वामी की भी नहीं कर सकी। आखिर पद्मावती ललिज्यू के भी कुंभ से तो नहीं जन्मेगा फिर कोई अगस्त्य मुनि। हे राम, कमलावती बोज्यू कितनी चंट है। पद्मावती ने सिर्फ इतनी सी कल्पना ही तो की थी कि एक दिन की पहले के सतयुग में तो पुरुष के स्मरण मात्र से भी मान रह जाया करता था, मगर ये कल्पना के दिन जब बावलेपन में ताम्र कलश छलछला गया था तो खुद पद्मावती ही कितनी डूब गई थी शर्म में। वह जानती है एक मर्मवेधी आशंका भी आत्मा को थरथरा गई थी कि कहीं सचमुच रह ही गया सत तो पड़ोस की छिछोर औरतें उसकी आत्मिक श्रद्धा को थोड़े ही देखेंगी। सभी यही कहेंगी कि इस बुढ़ापे में धर्म गवाते लाज भी नहीं लगी। अरी छिचोरी, जितनी शर्म तांबे के कलश की है उतनी तो तुमने हाड़ मास के खसम की भी नहीं की होगी। अगर देखता कोई कि पहले पहल तांबे के कलश को सिराने रखते हुए कैसे घूंघट निकाल लेती थी पद्मा, तब जानती कि लाज शर्म करने वाला हिया और ही होता है। बीच में 7-8 दिन बीमार पड़ गई तो बिस्तरे से लग गई पद्मावती। बिस्तरे में पड़े ही पड़े उसे ये यथार्थ बेधता रहता कि उसके चाहने के बावजूद अब तू तू क्यों नहीं कहता कोई। और तो और, कमलावती बोज्यू भी तुम ही कहती है। पहले कभी कभार तू तू कहती थी, बड़ा मधुर लगता था, मगर इधर कमलावती बोज्यू का मधुर स्वर काफी तीखा तीखा होता चला आया है। कभी क्रोध में बोलती है तो लगता है गला बखार बखार कर थूक रही है। लगातार 7 दिनों तक तांबे का कलश बासी ही पड़ा रहा तो पद्मावती से नहीं रहा गया। मेरे जिंदा रहते ही ये दुर्गति हो रही है तो मेरे मरने के बाद तो टमटो के यहाँ पहुंच जाएगा। कहते कहते एक ओर तो बुरी तरह बिलक पड़ी थी पद्मावती, दूसरी ओर खींच भी थी,
अपनी असंयत वाणी के प्रति कि तू कहना भारतीय नारी के लिए धर्म विरुद्ध है। कल तो कमलावती बोजियू ने टाल दिया था कि पद्मावती ललिजियो, तुम्हारा तो सिर्फ एक तांबे का ही कलश ठहरा, मेरे तो हाड़ मास के ही कलश इतने हैं कि इन्हीं के कामकाज से उबर नहीं पाती। पद्मावती एकदम व्यथित हो उठी थी। बोजियू, उधर में हाथ डालकर कलेजा क्यों मरोड़ती हो? इतना तो मैं भी जानती हूं, तांबे के कलश से संतान नहीं जन्मा करती, और तुम्हारी संतान ना मुझे जीते जी सुख दे सकती है और ना मरने पर सदगति। मगर कहीं से लफंदर लगाकर तो मैं संतान नहीं जन्म सकती थी ना बोजियू। कल रात भर कमलावती बोजियू पश्चाताप से सिसकती रही थी। आज सवेरे सवेरे पद्मावती के पास पहुंच गई थी। ललिजियू, तुम्हारा दुख जानती हूँ, मेरा पाप क्षमा करना। मुंड चामुंड इतना झिंझोड़ देते हैं कि वाणी वश में नहीं रहती है। तुम्हें भी दुखा बैठती हूँ, मगर असल बात यह है ललिजियू कि तुम्हारे तांबे के कलश में जल भरना मेरे लिए तो एकदम निषिद्ध ही ठहरा। उसे तो तुम्हें ही भरना होता है, नहीं तो मैं किसी और से भरवा देती। टूट टूट रही थी देह, मगर फिर भी पद्मावती उठ गई कि आज आठवां दिन लग गया है, ज्यों त्यों भरकर रखना ही होगा नया जल। ना जाने किस जन्म पति को कलेश पहुंचाया होगा, इस जन्म में यह गति है। इस जन्म में भी सेवा नहीं हो पाई तो फिर कैसे तारण होगा। घुटने बजने लगते हैं, चबूतरे पर चढ़ते चढ़ते तो लगता है आत्मा के बनखंड में चहकते शकुनों की किसी निर्मम व्याध ने बेध दिया, और तीरों से घायल शकुनों की पात विलाप करते हुए व्याकुल कंठ से चित्कार कर रही है। ओ सुवा रे सुवा, पनखंडी रे सुवा, हरियो तेरो गात, कहाँ है रे तू सुवा, पिंडलो तेरो ठूना, कहाँ है रे तू सुवा। भावाकुल होकर पद्मावती ने हाथों में उठाई ताम्र कलश पर दीठ डाली कि बासी जल में भी उतरता होगा प्रतिबिंब। थर 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 कृष हथेलियां कांप उठी और ताम्र कलश चबूतरे से एकदम नीचे आंगन के पथरोटे पर गिर पड़ा। हे राम, हे राम! पद्मावती का करुण विलाप सुनकर पास पड़ोस के कई लोग एकत्र हो गए, मगर पद्मावती की आंखों को तो सिर्फ पिचके हुए ताम्र कलश के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा था। बिलकती ही चली जा रही थी कि गंगा सिंह हेडमास्टर की सावली घरवाली, जो खुद भी पहले दो घर त्याग कर आई थी, पद्मावती के कानों को बेध गई। छी छी छी, एक तांबे की टिटरी के लिए ऐसा करुण विलाप करते हुए शर्म भी नहीं आ रही है पद्मा बोराणजी को? अरे ये फूट गया है तो क्या दूसरा नया कलश नहीं मिल सकता बाजार में? पद्मावती ने आंसू छलछलाती आंखों से जल को जैसे आत्मस्थ कर लिया। देखा, सामने गंगा सिंह हेडमास्टर भी खड़ा है। पद्मावती विकट स्वर में चिल्ला उठी, चुप रह, चुप रह ओ खसीनी, मैं कोई तुझ जैसी तिघरिया पातर नहीं हूं, नया कलश नहीं मिल सकता है, कहती है रांड। अरे तू ही ढूंढती रह, तुझे ही मुबारक हो नई नई खसम। मैं तुझ जैसी कमनीयत खसीनी नहीं हूं, पतिव्रता ब्राह्मणी हूं। तू मत रोना जब तेरा कसम भी मरे तो, कसम है तुझे तेरी ही औलाद की। पद्मावती के विकट स्वर से सभी अचकचा गए। कमलावती बोजियू को इस बात का बुरा लगा। हे राम, पद्मा ललिजी के हृदय की व्यथा को यहाँ कौन समझने वाला है? यह सब लोग तमाशा देखने वाले हैं। कमलावती बोजियू आगे बढ़ी, लाड़ प्यार से पद्मावती की आंखों को पोछा। बहे हुए आंसू कपोलों की झुर्रियों में अटक गए थे। संवेदना जताते हुए कमलावती बोली, पद्मा, पद्मा अब चुप हो जाओ। अरे बावली, इतना करुण विलाप तो कोई हाड़ मास के स्वामी के मर जाने पर भी नहीं करता। तांबे का कलश थोड़ा पिचक ही तो गया है, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। पद्मावती इस कल्पना से ही सिहर उठी कि ठीक करने दिए गए कलश को तो पहले टमटा भट्टी पर चढ़ाएगा और फिर हथौड़ों से उसे। हे राम, हे राम! पद्मावती कहना चाहती थी कि बोजियू,
तुम भी सिर्फ कलश के पिचकने की बात ही क्यों देखती हो? मेरी यातना क्यों नहीं दिखती तुम्हें? मगर कंठ स्वर अनजाने ही रूखा हो गया। आज पहली बार पद्मावती को लगा कि वह भी कमलावती बोजियू की ही तरह बखार झंकार कर कह रही है, अरे अरे बोजियू, तुम क्यों नहीं कहोगी ऐसा? तुम तो अब विधवा हो विधवा, तुम क्या समझोगी कि सुहागिनी के मन की व्यथा क्या होती है? और बच्चियों की तरह बिलकती पद्मावती अंदर के कमरे में चली गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।